हिंदी फिल्म जेडी के माध्यम से बॉलीवुड और राजनीति के अलावा पत्रकारिता जगत की कुछ कड़वी सच्चाई को उजागर करने का संकल्प शैलेश पांडे ने उठाया है। निर्माता शैलेश पांडे की फिल्म जेडी में काफ़ी कुछ हद तक पत्रकारिता जगत के पीछे क्या चल रहा है उसको दिखाने की कोशिश की गई, ऐसी बात निर्माता शैलेश पांडे जी का कहना है। इस संबंध में वरिष्ठ राजनेता अमर सिंह ने पत्रकार परिषद के दौरान क्या कुछ कहा, पेश है मेट्रो इंडिया न्यूज की एक खास रिपोर्ट। इसमें एक पद्धति ये निकली है कि हम खबर दिखाएंगे नहीं, खबर बनाएंगे, खबर पकाएंगे और फिर उसको परोसेंगे और वही हम खिलाएंगे। अब ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम किस नेता और किस दल की खबर पकाएंगे और उसमें तड़का डालेंगे और दिखाएंगे। हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव में टीवी देखने वाले हर आदमी को लगता था कि अखिलेश यादव लगभग 400-450 मतों से जीत रहे हैं और रही सही कसर वो रागा के आने से पूरी हो गई राहुल गांधी के। और जैसे कार्टून भी देख रहे हैं तो उसमें शोले के अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र के चेहरे उड़ गए और वहाँ पर अखिलेश और राहुल के चेहरे लग गए, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे। अब तो दम तो दोनों को है लेकिन साथ दिख नहीं रहे। अरे भाई बच्चे के मरने पर ये तड़प क्यों? ये तो बच्चों के मरने का मौसम है गोरखपुर में, और आंकड़े दिए हैं कि कितने बच्चे 5 सालों में मरे हैं और कहा है कि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में सबसे कम बच्चे मरे हैं। यानी बच्चों का मरना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, वो पैदा ही इसलिए हुए हैं पूर्वांचल के बच्चे कि वो मरे। लेकिन फरुखाबाद में जो एक ताजा शिशु मरण प्रक्रिया आरंभ हुई है उसकी चर्चा नहीं की। हम नरेंद्र मोदी जी का आदर करते हैं, उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन हमने हरदम कहा कि कोई बात तो हो जिस पर हम बात करें। आज वो बात है जिस पर हम बात कर रहे हैं कि गोरखपुर में चलिए तराई का पानी है, सबसे कम बच्चे मरे। क्यों छाप रहा है वही अखबार जो अभी 3 महीने पहले तक राहुल और अखिलेश की खबर छाप रहा था? क्योंकि सत्ता में मैं जाति का राजपूत हूं और ये अखबार वाले एडिटोरियल की जगह एडवर्टोरियल करते हैं। ये कर्म के राजपूत है, जिसका राज उसके पूत है, और इसी चीज को जेडी ने दिखाया है। जेडी का मतलब जर्नलिस्ट डिफाइंड होना चाहिए, JR जर्नलिज्म रिपोर्टेड होना चाहिए, संपादकीय एडिटोरियल, अब होता है एडवर्टोरियल, और उस एडवर्टोरियल में किसी को नहीं छोड़ते। पत्रकार भी अगर फिल्म बनाए तो उसे भी नहीं छोड़ते, कहे लाला फिल्म बनाए हो बहुत माल होगा, कोई मालदार पीछे होगा। अच्छा अमर सिंह है तब माल की क्या कमी है, निकलवाओ उनके खीसे से पैसे, दो हमको माल, तुम्हारी फिल्म खराब होगी तो उसे हम अच्छा बना करके दिखाएंगे, और माल नहीं दोगे तो तुम्हारी अच्छी फिल्म को स्टार रेटिंग नहीं देंगे। अगर ये पत्रकारिता है तो थू है इस पत्रकारिता पर, लानत है ऐसी पत्रकारिता पर। फिल्म चले ना चले, लेकिन ये फिल्म कागज के फूल भी नहीं चली थी, गुरुदत्त की पहली सिनेमास्कोप की पिक्चर, लेकिन पत्रकारिता के नाम पर क्या पकाया जा रहा है पत्रकारिता के चौके में, झूठ का कौन सा तड़का लगा करके जनता को परोस कर खिलाया जा रहा है, उसका प्रामाणिक चित्रण है इस फिल्म में जिसका नाम है JD। और हमारे साथ आज अवस्थी जी हमारे मित्र हैं, इंदौर में रहते हैं, इनका दोस्त है, ये सफल हो गए तो कहे लाओ, नहीं लाओगे तो हम तुम्हारा स्कैम छापेंगे। उसी तरह से विजय वर्गीय जी पीपल यूनिवर्सिटी भोपाल में चलाते हैं, हमारे मित्र हैं, उनसे भी कहा लाओ, नहीं लाओगे तो तुम्हारे विरोध में छापेंगे। तो दीक्षित जी भी अखबार शुरू कर दिए, अच्छा तुम छापोगे तो हम भी छापेंगे, और उधर से विजय वर्गीय जी भी अखबार छापना शुरू कर दिए। तो अखबार इसलिए छपे कि जनता को सच्ची खबर मिले, अखबार इसलिए छपे कि स्थापित अखबार अपने झूठ के चौके में निहित स्वार्थ के लिए क्या क्या करेंगे, उससे बचाव के लिए ढाल के रूप में पत्रकारिता हो, अखबार छपे, तो समाज कहाँ जा रहा है,
ये देश कहाँ जा रहा है कि अब बच्चों के मरने को भी पुराने आंकड़े को देख करके देश का वो अखबार कल ही छापा था जो अखबार 3 महीने पहले तक कह रहा था यूपी को ये 7% है।